हाय गाइस, थोड़ी सी जानकारी हम लोग रिक्वेस्ट हेडर और रिस्पांस हेडर के बारे में लेंगे कि रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है। रिक्वेस्ट हेडर इज एन एचटीटीपी हेडर दैट कैन बी यूज्ड इन एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट दैट डज नॉट रिलेट टू द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ये कंटेंट ऑफ द मैसेज से रिलेट नहीं करता है। इसका इस्तेमाल आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट में करते हैं। रिक्वेस्ट हेडर लाइक एक्सेप्ट एक्सेप्ट डैश एस्ट्रिस्क और इफ डैश एस्ट्रिस्क अलाउड टू परफॉर्म कंडीशनल रिक्वेस्ट अदर लाइक कुकी यूजर एजेंट और रेफरर precise the context so that the server can tailor the answer। कुछ examples दिख लीजिए request header के। ये सारे request headers हैं जो कि आपको practically भी दिखा दूंगा ये कहाँ से आपको देखना है। देन इसके अलावा कुछ और है यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे हमारे हैं। अगर आपको पूरा लिस्ट देखना हो request header के बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप ये लिंक को फॉलो करके जान सकते हैं। फिर गूगल में भी आप सर्च करेंगे request header लिख कर तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देन response header क्या है? response header is an HTTP header that कैन बी यूज इन एन एच टी टी पी रिस्पॉन्स। ये एच टी पी रिस्पॉन्स में यूज़ किया जा सकता है एंड दैट डज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टेंट ऑफ द मैसेज। ये कॉन्टेंट ऑफ मैसेज से कोई इसका रिलेट नहीं होता है। रिस्पॉन्स हेडर लाइक एज लोकेशन और सर्वर आर यूज टू गिव अ मोर डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिस्पॉन्स। कुछ रिस्पॉन्स हेडर जैसे 200 ओके के लिए एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन कनेक्शन कॉन्टेंट इनकोडिंग, ये सारे हमारे रिस्पॉन्स हेडर है। कुछ और लास्ट मॉडिफाइड, ये सारे आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक में जाकर हेडर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हेडर दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो ये ऑप्शनल है, ये आप ध्यान दें या ना दें इस थ्योरी को। एजेक्स में थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल होता है, आप एग्जामिन करने के लिए कर सकते हैं कि क्या आपका रिक्वेस्ट हेडर है और क्या आपका रिस्पॉन्स हेडर है। ये कुछ कॉन्टेंट टाइप है, आप इसको देख के रख लीजिए क्योंकि आपको काम आने वाला, जब आप कॉन्टेंट टाइप सेट करेंगे तब ये वैल्यूज आपको काम आने वाले हैं। लेकिन सब कुछ यूज़ नहीं होगा बट इनमें से कुछ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये सारे हमारे कंटेंट टाइप, इसमें से आपको याद रखना है जेसन एप्लीकेशन स्लैश जेसन। जेसन डेटा के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कंटेंट टाइप में। फिर एक्सएमएल के साथ काम करना होता है एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी टेक्स्ट के साथ काम करेंगे तो कंटेंट टाइप टेक्स्ट से रिलेटेड ये सारे कंटेंट टाइप के वैल्यूज़ हैं। ऑडियो के साथ काम करना तो ये VND के साथ ये, इमेज के साथ ये और वीडियो के साथ देन मल्टी पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप कुछ ध्यान में रखेंगे तो मे बी आपको भविष्य में काम आएगा। सो ये था कंटेंट टाइप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।